कंपेंसेटर में है, कंपेंसेटर चैप्टर में 31 क्वेश्चन। सो ये ब्लॉक डायग्राम है। अब ये प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है के बाई एस 1 प्लस टी एस, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। नाउ इसकी ट्रांजिएंट बिहेवियर सुधारने के लिए, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स यानी कि स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स सुधारने के लिए आपने PD कंट्रोलर लगाया। नाउ KP और KD, ठीक है, KP प्लस KP KDS नहीं है, KP प्लस KDS लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो ये भी सही लिखा हुआ है, तो PD कंट्रोलर है। सो किस लिए लगाया होगा? डेफिनेटली क्या होगा, ये सेट पॉइंट पे नहीं लेके आएगा अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया तो। सो नहीं लेके आ गया यानी कि जो एरर आएगा वो क्या होना चाहिए, आप टॉलरेट कर सकते हो जो भी एरर आएगा। PD की वजह से डेफिनेटली सम एरर आएगा, सेट पॉइंट पे नहीं रहेगा अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो। सो बेसिकली वो जो एरर है वो आपके लिए क्या है, टॉलरेबल। सो आप ये जो टाइम कांस्टेंट है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। सो इस प्लांट की स्पीड को सुधारने के लिए, क्या कर रहे हो, इसको लगा रहे हो। सो ये बेसिकली कर रहे हो आप। सो नाउ अब ये कह रहा है सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, विदाउट पी प्लस डी कंट्रोलर क्या होगा सिस्टम, ये नहीं है। सो ये होगा सिस्टम बस, ठीक है। सो टाइप एंड ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया टाइप 1, और ऑर्डर क्या होगा S² यानी कि ऑर्डर हो गया 2। PD कंट्रोलर के साथ, सिर्फ 0 ऐड हुआ, तो टाइप 1 ही रहा, ऑर्डर 2 ही रहा, ठीक है। सो कंक्लूजन, नो चेंज इन टाइप एंड ऑर्डर अगर आप PD कंट्रोलर इस प्लांट के साथ लगाते हो, ठीक है। नाउ अब आपको देखना है कि जीटा और ओमेगा एन पे क्या फर्क पड़ेगा जब आप सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लोगे और फिर पी प्लस डी यूज करोगे। सो आपने सिर्फ प्रोपोर्शनल ले रहे हो यानी कि KD वाले पार्ट को 0 रखना होगा। सो KD को 0 रख दिया। सो GS कितना होगा, दिस इंटू दिस KP इंटू के इंटू KP बाई एस 1 प्लस TS, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, ओमेगा एन निकाला, 2 इंटू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू एस का कोफिशियंट, ठीक है। सो जीटा कितना आया, 1/2 इंटू KKP इंटू टी, ठीक है। नाउ अब आपने पी प्लस डी यूज करा, पी प्लस डी के लिए ये होगा फॉरवर्ड का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नाउ 1 प्लस GSHS क्या होगा, 1 प्लस GSHS होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। नाउ अब जो क्या कहते हैं ओमेगा एन है वो सेम रहा जो यहाँ पे था, ठीक है। सो ओमेगा एन में कोई चेंज नहीं आया जब आपने प्रोपोर्शनल के साथ डेरिवेटिव और इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर 2 जीटा ओमेगा एन क्या हुआ, 1 प्लस KKD/T, जीटा कितना हो गया, 1 प्लस KKD/2 इंटू दिस, ठीक है। सो जीटा यहाँ कितना था, न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, न्यूमरेटर में यहाँ आप कितना हो गया, कितना टाइम्स हो गया, 1 प्लस K इंटू KD टाइम्स हो गया। सो जीटा क्या कर गया, यहाँ पे कम था जीटा, यहाँ इंक्रीज कर गया बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस K इंटू KD। सो डेरिवेटिव कंट्रोलर से क्या हुआ, जीटा वैल्यू इंक्रीज होता है, ओमेगा एन वैल्यू क्या रहता है, रिमेन्स सेम फॉर पी एंड पी प्लस डी कंट्रोलर। ये याद रखना, पी पी और पी प्लस डी के केस में बात चल रही है। नाउ ये तो मैंने एक्स्ट्रा करा था, अब वो क्या कह रहा है, ESS ड्यू टू रैंप इनपुट। रैंप इनपुट ये है, इस कंट्रोलर को क्या इनपुट एरर है वो नहीं बात चल रही, अब सिस्टम को इनपुट जो है वो रैंप इनपुट है, ठीक है। सो नाउ मैं दो केसेस लूंगा, दो केसेस क्या होंगे, ESS रैंप विद डी कंट्रोलर ओनली। सो डी कंट्रोलर लूंगा, सो KP 0 हो गया, KDS बचेगा, सो K इंटू KDS डिवाइडेड बाय दिस। अब ESS क्या होगा, लिमिट S टेंड्स टू 0, S इंटू RS यानी कि 1/S² डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS। ये 0 पुट करा तो इन्फिनिटी आया, क्यों आया, बिकॉज डेरिवेटिव ओनली, डेरिवेटिव की वजह से इन्फिनिटी एरर आएगा, बिकॉज ये क्या है, एंटिसिपेटरी नेचर का है, और एंटिसिपेटरी नेचर का है इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट एरर आपको देगा, एकदम से टैप खोल के रख देगा। विथ पी प्लस डी कंट्रोलर क्या हुआ, आपने क्या करा, KP और KD दोनों आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने ESS निकाला, S टेंड्स टू 0, S इंटू RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS, ठीक है। S टेंड्स टू 0 रखा तो 1/KKP आया। सो ये एरर कहाँ से कहाँ, डेरिवेटिव में एरर इनफाइनाइट था, प्रोपोर्शनल इसके साथ लेके आने से, प्रोपोर्शनल के साथ कॉम्पोजिट बिहेवियर करने से एरर इन्फिनिटी से 0 पे आ गया। सो एरर तो बेसिकली रहा, एरर रहा। सो आप ये नहीं बोलोगे कि स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव हो गई, स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव तब बोलोगे जब स्टेडी स्टेट एरर 0 होगा। सो स्टेडी स्टेट एरर, वो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुई,
बट स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई. क्यों? बिकॉज एरर रिड्यूस हो गया. सो डी से जब आप पी प्लस डी में आए तो एरर रिड्यूस हो गया. सो सिर्फ ये बोलना कि स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है, स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव हुई है, ये मत बोलना. सिर्फ ट्रांजिएंट को इंप्रूव करता है पी प्लस डी. क्यों? चूंकि ये फास्ट होता है. ठीक है भैया. अब एक जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, जीटा कम था, जीटा बढ़ गया किसके इंट्रोड्यूस होने से, प्रोपोर्शनल, और पी प्लस डी में क्या हुआ, जीटा इंक्रीज कर गया बेसिकली. ठीक है. सो जीटा क्यों इंक्रीज करा भाई? तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है. क्यों दिक्कत आ रही है? चूंकि ये क्या है, टाइम ऑफ वो रेस्पॉन्स इज वेरी फास्ट. फास्ट रेस्पॉन्स होगा यानी कि स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स फास्ट यानी कि कम टाइम. कौन सा टाइम? राइज टाइम. सो राइज टाइम कम होगा इसका. बैंडविथ इन्वर्स होता है तो बैंडविथ ज़्यादा होगा. बैंडविथ ज़्यादा होगा तो नॉइज़ एम्पलीफाई हो जाएगी, और नॉइज़ एम्पलीफाई हो गई तो एस बाय एन रेशियो क्या होगा, कम होगा. जीरो इज एडेड. ठीक है. के पी प्लस के डी एस एड हो रहा है सिस्टम में. सो क्या होगा, जीरो ऐड हो रहा है तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. यानी कि ये अगर कोई डिस्टरबेंस होता है देन एकदम से बहुत फास्टली ये क्या कर जाएगा, एकदम से रिकवर कर जाएगा फ्रॉम द शॉक. ठीक है. अब राइज टाइम रिड्यूस कर रहा है. ठीक है. राइज टाइम रिड्यूस कर रहा है, स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स फास्ट है. स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स फास्ट है तो आपको क्या लगना चाहिए कि ओवरशूट ज़्यादा करेगा. ठीक है. यानी कि एमपी वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए और जीटा डिक्रीज करना चाहिए. बट आपने क्या देखा, जीटा इंक्रीज कर गया और एमपी वैल्यू जीटा डिक्रीज इंक्रीज करा, जो आपने अभी देखा. ठीक है. और एमपी डिक्रीज करा. सो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? ये कंट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ क्या करा, पी प्लस डी कंट्रोलर लगा लिया. इसलिए अगर एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता यानी कि सिर्फ ये होता बेसिकली. ठीक है. सो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर राइज टाइम क्या होता, रिड्यूस करता, देन डेफिनेटली क्या करता, एमपी ज़्यादा वैल्यू होती. ठीक है. बट क्योंकि इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को मैंने किसके साथ यूज़ करा, पी प्लस डी के साथ यूज़ करा, इसलिए डैम्पिंग क्या करा, रेशियो इंक्रीज करा. ठीक है. सो डैम्पिंग रेशियो पहले भी इंक्रीज कर रहा था और यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है. ये चीज़ ध्यान रखना, और ये थोड़ी सी मतलब ध्यान रखना कि दोनों केस में, उस केस में ये कंसेप्ट आपने लगाया था कि स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स कम है तो कम ओवरशूट होगा, कम ओवरशूट होगा तो जीटा ज़्यादा होगा, बट यहाँ वो कंसेप्ट नहीं लगाना है. ठीक है. राइज टाइम के साथ साथ, रिड्यूस करने के साथ साथ एमपी वैल्यू को भी रिड्यूस करेगा ये साथ साथ, ये ध्यान रखना है. क्यों? बिकॉज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ हम पी प्लस डी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और फिर एक चीज़ याद रखनी है, इम्प्रूव करेगा स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को, स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव नहीं कर रहा है. ठीक है. स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव तब बोलोगे जब ई एस एस जीरो होगा. ठीक है. फिर उसके बाद हाई सेंसिटिविटी. अब एक और चीज़ जो बताने वाली है वो क्या है कि जब क्या होगा, स्टेप एरर होगा. स्टेप एरर में ये जीरो हो जाएगा डी ई बाई डी टी. सो ये बचेगा. सो सिर्फ प्रोपोर्शनल काम करेगा. तो मैं एरर कौन सा लेता हूँ, इस टाइप का एरर लेता हूँ 80 टाइम्स. ठीक है. सो ई की जगह 80 रख दिया, डी ई बाई डी टी क्या होगा, इसका स्लोप. ठीक है. फिर ये हो गया के पी टी डी इंटू ए, और ये हो गया. नाउ एरर क्या है यहाँ पे, एरर जस्ट एरर इस इंस्टेंट पे जीरो है, एरर होने वाला है, इसने एंटिसिपेट कर लिया डेरिवेटिव ने. सो डेरिवेटिव की वजह से ये एरर एंटिसिपेट हो गया. सो टी इज इक्वल टू टी वन पे सडन रेस्पॉन्स आया बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव एक्शन. सो डेरिवेटिव ने क्या करा होगा, टंकी को एकदम खोल दिया होगा, एंटिसिपेट करते ही टंकी को एकदम खोल दिया. अब डेरिवेटिव का काम खत्म बेसिकली, ऐसा सोचना है. डेरिवेटिव का काम खत्म. अब अगर सिर्फ डेरिवेटिव होता, अगर सिर्फ डेरिवेटिव होता तो ये यहाँ पे ऐसा आता. ठीक है. ये टंकी को खोल के रख देता, ई एस एस इन्फिनिटी आता. ठीक है. अगर पी ओनली होता तो ये जो एरर है इसके प्रोपोर्शनली आउटपुट आता, प्रोपोर्शनल का. ठीक है. इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रेस्पॉन्स आएगा. नाउ इसने डेरिवेटिव की वजह से ये एरर जो जीरो है इस इंस्टेंट पे, ये एंटिसिपेट हो गया. ठीक है. यानी कि टंकी खोल के रख दी. अब टंकी खोल के रख दी, उसके बाद प्रोपोर्शनल ने टेक ओवर कर लिया. प्रोपोर्शनल ने टेक ओवर कर लिया कि यानी कि डेरिवेटिव ने तो टंकी खोल दी. अब प्रोपोर्शनल क्या करेगा, उस टंकी को कंट्रोल करेगा. ठीक है. सो प्रोपोर्शनल विल टेक ओवर, और इसलिए जो एरर आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा, ऑफसेट प्रेजेंट होगा, बट वो ऑफसेट इन्फिनिटी नहीं होगा.
ठीक है, जो सिर्फ डेरिवेटिव के केस में एरर इन्फिनिटी हो रहा था वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ने टंकी खोल दी और प्रोपोर्शनल ने आके टंकी को कंट्रोल करा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए बेसिकली क्या होगा, ये जो एरर है ये क्या होगा, एरर रिड्यूसेस और स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। बस आपको आप ये बोल सकते हो स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज फर्स्ट डी एक्शन, फर्स्ट एंटिसिपेट रिएक्शन एंड देन प्रोपोर्शनल ने टेक ओवर कर लिया और टंकी को कंट्रोल करने लगा डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग, ठीक है भैया। सो ध्यान रखना, जब आपको स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ इस कंट्रोलर को यूज करना है, ठीक है। अगर फाइनाइट एरर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑफसेट से कोई दिक्कत नहीं है और स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स इंप्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉयलर होते हैं, बॉयलर का टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्लो रेस्पॉन्स होता है बॉयलर का, आप उसके रेस्पॉन्स को फास्ट करना चाहते हो यूजिंग अ कंट्रोलर, तो कौन सा यूज करो, जो रेस्पॉन्स को फास्ट करेगा यानी कि ट्रांजियंट को इम्प्रूव करेगा कैरेक्टर को, यानी कि पीडी कंट्रोलर। नाउ अब क्वेश्चन आते हैं, ये है, इसने क्या बोला, इंटीग्रल कंट्रोलर, तो रिलेटिवली रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, प्लांट में पोल ऐड करता है एट द ओरिजिन, पोल ऐड करने से स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, और इंटीग्रल है ना, ठीक है, इंटीग्रल की वजह से क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो बोथ आर रिड्यूस्ड, ये डी इसका आंसर होगा। सो इम्प्रूव्स द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, इम्प्रूव स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो दोनों क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सो ये गलत है, ये बोथ आर रिड्यूस्ड। फिर उसके बाद पीडी कंट्रोलर इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग यानी कि जीटा एंड फ्रीक्वेंसी, अब आपने क्या देखा था, ओमेगा एन सेम रहा था, ठीक है, ओमेगा एन सेम रहा था किस किस के केस में, प्रोपोर्शनल और पी प्लस डी के केस में ओमेगा एन सेम रहा था, सो ओमेगा एन तो क्या करेगा, फिक्स्ड, बट जीटा क्या करेगा, जीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइज टाइम को रिड्यूस करने के साथ साथ ये एमपी को भी रिड्यूस करता है, एमपी रिड्यूस एंड जीटा इंक्रीज करता है, ठीक है। सो जीटा दोनों केस में इंक्रीज करेगा, पीआई में भी और पीडी में भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किसी सिस्टम को, किसी प्लांट को कंपेंसेट करने के लिए पीडी कंट्रोलर लगाया, तो जो कंपेंसेटेड सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो टाइप है वो क्या होगा, टाइप चेंज नहीं होता, डेरिवेटिव की वजह से टाइप चेंज नहीं होता, ठीक है, टाइप और टाइप एंड ऑर्डर सेम रहते हैं। डैम्पिंग रिड्यूस होगी, नहीं, डैम्पिंग जीटा इंक्रीज होता है, कितने फैक्टर से, 1 प्लस के केपी था या के डी था, जो भी था ये, ठीक है, 1 प्लस के डी से फैक्टर से इंक्रीज करता है जीटा। फिर नॉइज एम्पलीफाई होगी, हाँ भाई होगी, क्यों, बिकॉज नॉइज, नॉइज जब भी आए तो बैंडविड्थ सोचना, सो नॉइज एम्पलीफाई होगी। लार्जर ट्रांजिएंट ओवरशूट, नहीं, एमपी वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, राइज टाइम भी डिक्रीज करता है, एमपी भी डिक्रीज करता है पीडी के केस में, ये याद रखना, ये भूलने वाली चीज है। फिर उसके बाद ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिस्टम इज सेट टू पजेस अ डेरिवेटिव आउटपुट कंपेंसेशन, डेरिवेटिव आउटपुट कंपेंसेशन है व्हेन द जनरेशन ऑफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन, आउटपुट कंपेंसेशन है यानी कि डेरिवेटिव कंट्रोल कहाँ पे लगा हुआ है, आउट फीडबैक में लगा हुआ है, सो केडीएस फीडबैक में लगा हुआ है। अगर केडीएस यहाँ पे लगता है और केडीएस का इनपुट यहाँ पे क्या होता है, एरर, सो एरर को रेट ऑफ, ये जो इसका आउटपुट है पी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पे लगेगा, इसका इनपुट क्या है, इनपुट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट व्हेन द जनरेशन ऑफ इट्स आउटपुट, ये आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम, चूंकि ये आउटपुट इसका इनपुट है, किसका, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव आउटपुट कंपेंसेशन का, ठीक है, सो इसका जो आउटपुट है, दिस आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सी, यानी कि आउटपुट, ठीक
सो ये बात हो गई। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन, लीड कंपेंसेटर और लैग कंपेंसेटर। लीड किसके करस्पॉन्डिंग होता है, लैग, लैग किसको इंप्रूव करता है, लैग इंप्रूव करता है ट्रांजिएंट को, ठीक है, लैग इंप्रूव करेगा ट्रांजिएंट नहीं, लैग, लैग यानी कि स्लो। स्लो कौन सा होता है, इंटीग्रल वाला। सो PI कंट्रोलर है, इंटीग्रल एक्शन है, ठीक है, इंटीग्रल एक्शन वाला ESS0 होगा और लो पास फिल्टर के एनालॉगस होता है, ठीक है। लीड कंपेंसेटर यानी कि फास्ट, फास्ट यानी कि ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करेगा। ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करने वाला क्या होता है, PD कंट्रोलर होता है। तो PD कंट्रोलर किसके एनालॉगस होता है, हाई पास फिल्टर के एनालॉगस होता है। फिर उसके बाद ये सिस्टम आया PI कंट्रोलर। PI कंट्रोलर में एड जीरो नहीं होता, क्या होता है, पोल ऐड होता है ओरिजिन पे, तो ये गलत है। रिड्यूस इज ओवरशूट, ठीक है, सही बात है, ओवरशूट रिड्यूस होता है, ठीक है। और PI का केस है, PI का केस है ना, तो वो जो अपनी थ्योरी है वो वैलिड है। स्लो रेस्पॉन्स यानी कि कम ओवरशूट, कम ओवरशूट, और राइज टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम 1 से इंक्रीज होगा, PI के केस में ऑर्डर इंक्रीज होगा, बट ये इसने गलत लिखा है, टाइप और ऑर्डर दोनों 1 से इंक्रीज होंगे। इट रिड्यूसेस ESS ऑफ द सिस्टम, यस, ESS को कितना कर देगा, जीरो कर देगा। सो ये तीनों करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है ये, एक्सेसिव बैंडविथ एम्प्लॉय नहीं करते कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि बैंडविथ को एक्सेसिव करने से नॉइज क्या हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। सो नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविथ, सो नॉइज एम्पलीफाई हो जाती है, इसलिए हम कंट्रोल सिस्टम में बैंडविथ ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। सो अब उसके बाद आता है P+D कंट्रोलर। अब ये क्या है, वेरी हाई सेंसिटिव, क्यों, एंटिसिपेटरी एक्शन ऑफ डी एंड देन पी टेक्स ओवर, इसलिए ये हाईली, वेरी हाई सेंसिटिव है, ठीक है। स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा इसका, डेफिनेटली इंप्रूव होगा, क्यों, चूंकि ये सिस्टम में जीरो ऐड करता है, ठीक है। फिर इसने स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंप्रूव करने की बात करी है, सो डेफिनेटली सही बात कह रहा है, इन्फिनिटी से जो एरर है वो कितना आ गया था, फाइनाइट आ गया था, इसलिए ये सही बात कर रहा है। स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक बोलता तो ये गलत हो जाती स्टेटमेंट, ठीक है, एक्यूरेसी है तो तीनों सही है स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ये है, एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ये उसका प्लांट होगा और ये क्या है, PI कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये जो है इस प्लांट को नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है कि ये जो कंपेंसेटर है इसके KP और KI डिज़ाइन करने हैं, और KP और KI इस हिसाब से डिज़ाइन करने होंगे ना कि सिस्टम स्टेबल तो रहे ना भैया आपका, तो सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है भैया। नाउ सिस्टम स्टेबल रहने के लिए KP और KI पे एक कंडीशन आएगी, तो वो कंडीशन देखनी है। नाउ कभी भी कंडीशन स्टेबिलिटी की आती है देन आपको क्या लगाना होगा, राउत एरे बनाना होगा, तो राउत एरे बना दिया। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई, फिर उसके बाद राउत एरे बनाया, और राउत एरे बनाया तो ये क्या होना चाहिए, KI मस्ट बी पॉजिटिव एंड 2KP-KI मस्ट बी पॉजिटिव। सो KI इज ग्रेटर देन 0 एंड 2KP इज ग्रेटर देन KI, ठीक है। सो ये होगा, सो ये कंडीशन रख के डिजाइन कर दो, आपका जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, और PI कंट्रोलर है तो क्या इंप्रूव हो जाएगा, स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव हो जाएगी आपके सिस्टम की डेफिनेटली, ठीक है। इस हिसाब से डिजाइन कर दो स्टेबल रखने के लिए अपने सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ DC मोटर इज ओमेगा एस बाय ये दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस, ये 1+TS फॉर्म है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड इन फीडबैक एज शोन बिलो, ये इसको क्या करा, इस कन्फिग्रेशन में इसको यूज करा, ठीक है। नाउ ये क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ KA। अब मेरे को KA डिजाइन करना है इस तरह से सो दैट कि इस क्लोज लूप सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट आए वो कितना आए, 1/100 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नाउ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 10 KA/1+10S, इसको 1+TS फॉर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी है, सो ये 1+T टाइम कांस्टेंट ओपन लूप का क्या होगा, 10, ठीक है। सो ये तो 10 हो गया। अब आपको डिजाइन KA इतना करना है कि ये पूरे सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना हो जाए, 1/100 of 10 हो जाए, ठीक है। सो नाउ पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1+TS फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो ये तो हो गया गेन, ठीक है, दिस इज द गेन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और ये क्या हो गया, 1+TS, तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो दिस ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी
वन बाय हंड्रेड टाइम्स ऑफ दिस. सो दिस ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू टेन बाय दिस. ठीक है, सो ये कितना है आपके 9.9. सो इस पे डिजाइन कर दो, आपकी जो कंडीशन है आपको मिल जाएगी. अब ये मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन जो है वो किस चीज़ के लिए है. ठीक है ना, उसके बाद आएगा पीआईडी मोड. ठीक है, अब ये पीआईडी मोड मैं अलग से वो कर दूंगा.